नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी देख रहे हैं सत्यम चौरसिया एमबीए वाले। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बालाजी वेफर्स जो है वो मार्केट लीडर कैसे बना। इसके पीछे दो चीजें थी। बालाजी वेफर्स ने देखा कि बाकी सारी कंपनियों के बीच में जो चैनल पार्टनर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत ज्यादा हैं, तो इस वजह से जो रिटेलर्स हैं उन्हें कम प्रॉफिट मिल रहा था, और हम बात करते हैं अगर क्वांटिटी की तो क्वांटिटी भी कम मिल रही थी। तो बालाजी वेफर्स ने इन दोनों चीजों पे ध्यान दिया, उन्होंने अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दिया और चैनल पार्टनर्स को बीच से कम कर दिया। तो हुआ क्या कि क्वांटिटी बढ़ गई तो फाइनल कंज्यूमर खुश, और मार्जिन बढ़ गया तो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर खुश। तो यही चीज होती है किसी भी प्रोडक्ट को हिट करने के लिए। अगर दुकानदार भी खुश और जो खरीदने वाला सामान प्रोडक्ट है ग्राहक भी खुश, तो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में छा जाएगा। तो बिल्कुल यही काम जो है बालाजी वेफर्स ने किया। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते हैं जो आपको मोटिवेट करेगी और बाकी अदर कंपनियां कैसे चल रही हैं उसके बारे में बताएंगे, जिससे कि आप भी आगे जा सकते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं। सपोज हम लेते हैं हल्दीराम। हल्दीराम जो है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है माना कि नोएडा में है। अब नोएडा से आपके यहाँ आने तक सपोज हमने यूपी में लिया, तो यूपी में जो है वो स्टेट जो स्टॉकिस्ट है उसके पास आएगा, उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट एसएस के पास आएगा जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं। फिर सुपर स्टॉकिस्ट क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा, और रिटेलर फाइनल कंज्यूमर को देगा। तो इसमें क्या होता है कि बीच में तीन से चार चैनल पार्टनर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सुपर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, सुपर स्टॉकिस्ट स्टेट लेवल हो गया, और उसके बाद कंपनी हुई। तो तीन से चार लोगों का चैनल पार्टनर इसमें आ गए। तो हर इंसान अगर उस पर काम कर रहा है तो सबको कुछ ना कुछ मार्जिन चाहिए, और कंपनी मार्जिन देगी कहाँ से, तो इस वजह से वो क्वांटिटी जो है वेफर्स हो या नमकीन हो, हर चीज की जो क्वांटिटी है वो कम कर देती है, और क्वांटिटी कम करेगी तभी इन लोगों को पेट भरेगा, कंपनी का भी पेट भरेगा, बट क्वांटिटी कम करने से जो ग्राहक है उसका पेट नहीं भरेगा। तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीजों से बालाजी ने बीच का चैनल पार्टनर हटा दिया। जैसे बालाजी के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या स्टॉकिस्ट हैं, उन्हें डायरेक्ट कंपनी से बिलिंग होती है, उनका माल सीधे कंपनी से आता है, बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं है, कोई चैनल पार्टनर्स नहीं है, डायरेक्ट कंपनी को का पेट भरना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का, और ज्यादा प्रोडक्ट होगा उस माल होगा उसमें वेफर्स में या नमकीन में, तो फिर उससे ग्राहक का पेट भरेगा, और ये प्रोडक्ट इसी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड में आ गया। तो बालाजी के सक्सेस होने के पीछे बस दो ही कारण है, कि एक तो ग्राहक खुश और उसके बाद फाइनल कंज्यूमर खुश। अगर दोनों खुश तो दोनों का पेट भर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी का पेट भरेगा। तो दोस्तों, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा कि बालाजी वेफर जो है वो मार्केट लीडर कैसे बनी। और ऐसे ही अगर आप भी बाकी कंपनियों का रिसर्च करेंगे, बाकी कंपनियों के बारे में जानेंगे, तो आप भी एक अच्छा सा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो होप दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।